वक्त था जब यूपी का मैनपुरी जिला एक बड़े गोलीकांड से दहल उठा था। सरियाम पंचायत में बंदूकें गरज रही थी, गोलियों की आवाज गूंज रही थी, जिसमें दो लोगों की जान चली गई थी और तीन लोग जख्मी हुए थे। और आज इसी गोलीकांड पर सालों बाद अदालत का फैसला आया है। वो फैसला क्या है और ये मामला क्या था, चलिए वो जान लेते हैं। मैनपुरी गोलीकांड में करीब 23 साल बाद जिला अदालत ने 16 आरोपियों को दोषी करार दिया है। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए जुर्माना भी लगाया। सोबरन सिंह वाला जो पक्ष है उसमें 6 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 25,000 रुपया प्रति व्यक्ति जुर्माना। और जो फेरन सिंह वाला पक्ष है उसमें कुल मिला के 11 अभियुक्त बनाए गए थे, जिसमें से एक अभियुक्त जो रामवीर है वो दौरान मुकदमा गायब हो गया, जिसके संबंध में थाना आख्या आई हुई थी। और एक अभियुक्त जो नरेंद्र सिंह है वो जुवेनाइल हो गया था, तो उसकी पत्रावली जुवेनाइल बोर्ड में चल रही है। इस तरीके से 9 अभियुक्तों को इधर से जेल भेजा गया है, उनको भी सभी को आजीवन कारावास की सजा। एक साथ 16 के 16 दोषियों को उम्र कैद की सजा मिलते ही ये खबर आग की तरह फैल गई। सभी लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर कोर्ट ने एक दो नहीं बल्कि 16 लोगों को इतनी बड़ी सजा क्यों सुनाई। दरअसल मैनपुरी के नगला मुलू गांव में दो पक्षों में कूड़ा डालने को लेकर विवाद हो गया था। इस विवाद को सुलझाने के लिए 4 फरवरी 2001 को पंचायत बुलाई गई थी। पंचायत के दौरान दोनों पक्षों में अंधाधुंध फायरिंग हुई थी। गोली लगने से दोनों पक्षों की ओर से एक एक शख्स मारा गया था और 3 लोग घायल हुए थे। 2001 की इसी गोलीकांड पर अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई की और दोनों पक्षों के दोषी पाए गए। 16 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही जिला अदालत ने दोषियों पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है।